उसी शाम को जब पीएम मोदी टीम से मिलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो मोहम्मद शमी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से, उनको गले लगाते हैं। उसी के नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं कि अमित शाह जब तेलंगाना पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि भाई हम मुस्लिमों का 4% जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे। साफ तौर पर कहा था कि बात अब विकास की होनी चाहिए, लेकिन धार्मिकता के रंग में बीजेपी इस तरह रंगी हुई है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। आज के युवा हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएँ, कैसे सक्षम बनाएँ, ये भी कोई तय करना पड़ेगा कि वो किस तरफ है। क्योंकि जब पीएम मोदी विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ पर जब वो दुबई पहुँचते हैं या और जगह पहुँचते हैं, सऊदी अरबिया पहुँचते हैं, तो वहाँ पर मुस्लिमों से दिल खोल कर मिलते हैं, लेकिन जब वो अपने देश की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनके या उनकी पार्टी के अंदर वो एक हिचकिचाहट नजर आती है। ये चीज़ नहीं बुलाई जा सकती कि बीजेपी का जो प्रमुख एजेंडा है वो हिंदुत्व ही है, फिर चाहे वो यहाँ वो कोई भी विधानसभा चुनाव हो या यहाँ पर कोई भी यहाँ लोकसभा चुनाव हो। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंट इनकम्बेंसी से पार पा सकती है और कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी करने की उसकी पूरी संभावनाएं हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है, वोटिंग शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान में हिंदुत्व कार्ड वर्सेस गहलोत की गारंटियां देखी जा रही हैं। एक तरफ अशोक गहलोत अपनी गारंटियों के आधार पर दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी, यहां पर 200 सीटें वही जीतेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, तमाम ऐसे चेहरों को उतारा जा रहा है जो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हिंदुओं का दबदबा है। अब ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या फिर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, ये तो वोट के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को भी उतार दिया है, योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए भी देखे जा रहे हैं और उनकी जनसभा में भारी संख्या भी देखी जा रही है लोगों की, क्या उस आधार पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी या फिर कांग्रेस अपनी गारंटियों के आधार पर राजस्थान जीतती हुई नजर आएगी, तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि ये सवालों के जरिए इस न्यूज रूम में जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं, सर आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से राजस्थान में देखा जाए कि अभी योगी आदित्यनाथ भी देखे जा रहे हैं, उनके जरिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की बात भी की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपनी गारंटियों को भी यहां पर उतार दिया है। 7 गारंटियां बताई जा रही है जिसमें कई अहम गारंटियों का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या इस आधार पर राजस्थान में किसकी जीत आपको लगती है, हिंदुत्व कार्ड वर्सेज गहलोत की गारंटियां? देखिए नाजमीन, और बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। दरअसल क्योंकि राजस्थान के एंगल से देखा जाए तो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, लगातार सुनने को मिल रहा है, और लगातार सिर्फ राजस्थान में ही नहीं नाजमीन, मैं कहूँगा कि लगभग जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर लगातार हिंदू वर्सेज मुस्लिम का जो कार्ड बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है वो लगातार मेरे ख्याल में कि उसकी खबरें जो निकल कर सामने आ रही है। हमने देखा कि जब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी, उसी शाम को जब पीएम मोदी टीम से मिलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो मोहम्मद शमी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से, उनको गले लगाते हैं। उसी के नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं कि अमित शाह जब तेलंगाना पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि भाई हम मुस्लिमों का 4% जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे, और इस तरह की तमाम बातें। इसके अलावा जब हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री, वो जब प्रचार प्रसार के लिए आते हैं तब वो भी हिंदू कार्ड की बात करते हैं। इसके अलावा योगी जो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी पार्टी में, यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, वो जब जाते हैं तो वो ये सब बातें करते हैं। तो यानी कि जो धर्म का एक तरीके से ढिंढोरा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पीटती हुई नज़र आ रही है, और उनको लगता है कि धर्म का कार्ड खेलने से कहीं ना कहीं उनकी जो वापसी की संभावना है राजस्थान में वो शायद पूरी हो पाए। क्योंकि राजस्थान में जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार गारंटी दे रही है, चाहे हम MSP की बात करें, चाहे हम 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, इसके अलावा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए फ्री प्राइवेट स्कूलों में करने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बीजेपी को देखा जाए तो लगातार वो वायदे तो कर रहे हैं लेकिन साथ में जो धार्मिक चोला है वो उनके तन से उतर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं किसी बहाने वो लेकर आ ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह अमित शाह ने जो गृहमंत्री हैं उन्होंने बोला कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है राज्यों में चुनाव में जिस तरह से हो रहे हैं और उसमें अगर सरकार हमारी आती है तो हम फ्री में जो है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको देंगे। इस पर जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, तमाम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि भाई आप उसके मालिक ही कौन हैं और वो मंदिर तो
सबकी जो है पूजा का स्थल है और आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि हम फ्री में उसको कराएंगे, तो ये जो बात कह रहे हैं, ये जो कार्ड आप खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भी आप आहत कर रहे हैं। तो ये जिस तरह देखने को मिल रहा है लगातार जो बीजेपी के खासकर लीडर हैं वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले अगर नाज़मीन मैं बात करूँ 2018 में भी जब योगी आदित्यनाथ जब राजस्थान गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह से बजरंगबली की जाति के ऊपर बात की थी। सचिन पायलट ने उस समय जो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बात अब विकास की होनी चाहिए, लेकिन धार्मिकता के रंग में बीजेपी इस तरह रंगी हुई है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। आज के युवा हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे सक्षम बनाएं, एजुकेशन में कैसे बेटर चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य की कैसे और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, इसके ऊपर बात ना करके हम आज भी धर्म के नाम पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे वरुण गांधी जो बीजेपी के लीडर हैं और अभी तो खासे खिलाफ भी हैं बीजेपी के, वो भी यही बात कह रहे हैं कि राम बोलने से या राम मंदिर का नाम लेने से रोजी रोटी घर में नहीं आएगी, रोजगार नहीं आएगा। तो ऐसे में जो तमाम सारे मुद्दे हैं बीजेपी के, वो धार्मिकता वाले जो कहने के एंगल लिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में राजस्थान में भी वो वही चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार काम करने का दावा किया है, लगातार काम की बात की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि धर्म बनाम विकास की जो लड़ाई है इसमें से जीत किसकी होगी ये तो खैर जनता ही तय करेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अभी भी 10 साल लगभग उनको केंद्र की सरकार में हो गए, उसके बावजूद भी विकास की और ऐसे मुद्दों पर बात न करके वो, उनको लगता है कि धर्म के नाम पर अगर हम बात करेंगे तो शायद उनको ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि लगातार चुनावों में देखा जा रहा है कि चाहे गृहमंत्री हैं या मुख्यमंत्री जो है योगी हैं, वो लगातार 22 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर का को लेकर जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही कि बेहतर हो कि आप विकास की तरफ लौटिए, लेकिन आप बार बार उसी धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आते हैं। सर, धर्म के नाम पर तो राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाता रहा है, वो हुई नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान में अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, तो एक सवाल बनना भी लाजमी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नजर नहीं आता। यूनुस खान का जिक्र कर लें जो वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी से भी थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के कारण किनारा कर लिया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड की बात तो आ गई, लेकिन क्या दूसरी तरफ मुसलमानों की वजह से झटका झेलने को मिलेगा, क्योंकि तमाम तरीके से कोई भी यहाँ पर मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं। बिल्कुल, और ये यूपी में भी देखा गया कि वहाँ पर भी कोई मुस्लिम चेहरा बीजेपी ने नहीं उतारा, और इसको लेकर लगातार बातें होती रही कि एक तरफ तो आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन जब राज्य में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी जब आप मुस्लिम चेहरे नहीं उतारते, मुस्लिम चेहरों को जो है कह सकते हैं कि आप प्रत्याशी नहीं बनाते, सवाल उठते हैं। आपने यूनुस का जिक्र किया, वसुंधरा के बहुत करीबी माने जाते हैं, परिवहन मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, लेकिन उनको भी जिस तरह किनारा किया गया है वो खासे नाराज हैं। हालांकि वो चुनाव तो मैं तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ये पूरा माहौल है वो ये बताता है कि क्या बीजेपी वाकई सबका साथ सबका विकास की बात करती है। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी जहां श्रमिक को गले लगाते हैं, वहीं अमित शाह दूसरे दिन उनको गले से दूर हटाने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सीधे तौर पर यही है कि बीजेपी के लिए कि वो अपनी राजनीति को मेरे ख्याल से पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि खुला नहीं कर पा रहे हैं, वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इस पक्ष में जाएं या ना जाएं, और पीएम मोदी को लेकर भी सवाल उठते हैं, तमाम और भी उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठते हैं, और हेमंत बिस्वा जिस तरह की जो बयानबाजी करते हैं मदरसों को लेकर, असम को लेकर बात करते हैं, मुस्लिमों को लेकर बात करते हैं, तो ये लगातार देखने को आ रहा है कि एक धड़ा तो बीजेपी का मुस्लिम हितैषी नज़र आता है, तो वहीं एक धड़ा बिल्कुल खिलाफ नज़र आता है, वो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बात करता भी तो उनके मुख से हमेशा जो है जहरीले जो है बयान देखने को सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे में बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण मामला है कि बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि वो किस तरफ है, क्योंकि जब पीएम मोदी विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वहां पर जब वो दुबई पहुंचते हैं या और जगह पहुंचते हैं, सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, तो वहां पर मुस्लिमों से दिल खोल कर मिलते हैं, लेकिन जब अपने देश की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनके या उनकी पार्टी के अंदर वो एक हिचकिचाहट नजर आती है, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी पार्टी जिस तरह बीजेपी है पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन बारंबार ये चीज जब देखने को मिलती है तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है उस धरातल पर कहीं खड़ी भी है, और ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो लगता है कि शायद वो अभी बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वाकई लगता है कि वो बेहद पीछे हैं, क्योंकि लोकसभा की बात करें तो एक बड़ा मामला देखने को मिला था जब लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मायावती के सांसद दानिश अली पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। उसके बाद वो हंसते हैं, सफाइयां पेश करते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगते हैं। तमाम तरीके से देखा जाए
जाए तो और भी कई सांसदों के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियों के होते हैं कार्यवाही शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसे अभी भी चेहरे भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में है तो उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि जिस रमेश बिदूड़ी का जिक्र किया जा रहा है उनको भी खुद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के टोंक सीट से उतारा है चुनाव प्रभारी के रूप में, अब चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन क्या यहां पर गुजरों को साधने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में? क्या रमेश बिदूड़ी के जरिए सचिन पायलट की सीट को हड़पा जाएगा? ये सवाल भी बनता हुआ नजर आता है। तो अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जैसे कि राजस्थान की बात करें और हाल ही की बात करें कि रमेश बिदूड़ी को अब सफाई पेश करनी होगी कमेटी के आगे क्योंकि आज उन्हें पेश होना है, लेकिन वही दूसरी तरफ इसी चेहरे को जब इसके ऊपर विवाद शुरू हो जाता है इन चेहरे पर तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें राजस्थान भेज देती है चुनाव प्रचार के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि इनके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा लेकिन इनके जरिए वोट जरूर पाया जा सकता है? देखिए, राजस्थान का जिक्र चल रहा है तो मैं एक बात जरूर यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान की सियासत में एक कहावत बड़ी ही प्रचलित है कि जिसके जाट उसकी ठाट, और इस बात को इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान में जो जाट मतदाता है वो इतनी संख्या में है या इतनी सीटों पर वो अपनी संख्या रखते हैं कि वे कहीं ना कहीं सरकार बनने और बिगाड़ने में जो है अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और ये चीज़ हमें देखने को मिली जिस तरह से यहाँ 200 विधानसभा में 36 प्रत्याशी जाट हैं कांग्रेस की तरफ से, तो 31 यहाँ जो है बीजेपी के प्रत्याशी। अब जो मैं यहाँ जाटों का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि यहां पे रमेश बिदूड़ी का आपने जिक्र किया जिन्हें यहां पर राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट के सामने बीजेपी ने अपना प्रभारी बनाया है। तो इसकी देखिए मुझे पहली वजह तो यही लगती है कि जिस तरह अगर आपने यहां पर जिक्र भी किया कि उनके साथ या उनके तरुण तो नहीं लेकिन उनके जरिए यहां अपना जो काम है वो बीजेपी साध सके। गुर्जर समुदाय से यहां जो है वो आते हैं यहां रमेश बिदूड़ी और सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और टोंक विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर गुर्जर समुदाय जो है कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत रखता है और यही एक बड़ी वजह है यहां पर जो रमेश बिदूड़ी को बीजेपी ने टोंक विधानसभा में सचिन पायलट के सामने अब जो है यहां प्रभारी बनाया है। अब एक और चीज यहां पर निकल कर आती है जिस तरह से उन्होंने यहां पर संसद में अमर्यादित टिप्पणी यहां दानिश अली पर की थी और उसके बाद से भी कुछ खासी कार्रवाई उन पर अब तक देखने को नहीं मिली। हालांकि अभी आपने यहां पर जिक्र किया कि आज उन्हें संसद की कमेटी के सामने पेश होना है, तो यहां पर हिंदुत्व की जब बात आती है बीजेपी की तो ये चीज हम भुला नहीं सकते कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व है, और ना ही हम ये चीज भुला सकते कि जब यहां 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था तो उसी के चलते बीजेपी की 4 सरकारें भी बर्खास्त कर दी गई थी। तो हो सकता है कि थोड़ा यहां पर एक न्यूट्रल लहजा जो है न्यूट्रल जो एक ट्रैक है उस पर शायद बीजेपी आती नजर आ सकती है थोड़ा कुछ हद तक, लेकिन ये चीज नहीं बुलाई जा सकती कि बीजेपी का जो प्रमुख एजेंडा है वो हिंदुत्व ही है, फिर चाहे वो यहाँ वो कोई भी विधानसभा चुनाव हो या यहाँ पर कोई भी यहाँ लोकसभा चुनाव हो। अब जैसे अमन सर ने कहा कि सचिन पायलट यहाँ पर कोई भी धर्म की राजनीति या जाति विवाद को लेकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देखी जाती है राजस्थान में इस तरीके से देखा जाए तो क्या वो चुनाव जीतती हुई नजर आएगी? सचिन पायलट का दबदबा आप मानते हैं कि राजस्थान में नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये दो चेहरे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों चेहरों को लेकर और राजस्थान में किसकी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय? देखिए यहाँ पर लगातार जिक्र है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का, और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जब किसी भी राज्य में होती है तो कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे होते हैं वही यहाँ पर किसी भी पार्टी को या सत्ताधारी पार्टी को कहीं ना कहीं वापसी उसी राज्य की सत्ता में कराने की ताकत रखते हैं। और जिस तरह से हमने हाल ही में जो कांग्रेस के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें देखा जिस तरह यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे हैं राजस्थान की जनता के जो उनकी यहाँ पर मांगे हैं उनको कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, और वही चीज़ यहाँ पर सचिन पायलट ने भी कही है वे जो जमीनी राजस्थान की जनता के हैं उन पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंट इनकम्बेंसी से पार पा सकती है और कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी करने की उसकी पूरी संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, सत्ता में वापसी करने की संभावनाएं। अब ये देखना होगा कि 25 नवंबर को जब वोटिंग की जाएंगी क्या जनता यहां पर कांग्रेस पार्टी को पसंद करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा। राजस्थान को लेकर आपकी क्या राय बनती है, किसकी सरकार बनेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड के जरिए चुनाव जीत पाएगी या यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटियों के जरिए चुनाव जीत पाएगी, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।